हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा स्केयर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। स्केयर रूट्स एंड क्यूब रूट्स से रिलेटेड टॉपिक में सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे स्केयर रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यूब रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो है तो स्केयर रूट्स का क्या मीनिंग है उसको डिफाइन करेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे स्केयर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी भी नंबर का स्केयर रूट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो कैसे करेंगे, और कुछ बेसिक से सिंपल एग्जांपल्स होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। बड़ा इजी टॉपिक है, स्केयर रूट का मीनिंग क्लियर होने के बाद तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जो इंट्रो है हमारी, इंट्रोडक्शन में हम जनरली जो पार्ट कर रहे हैं वो देखिए क्या कह रहे हैं स्केयर रूट्स में, क्या कह रहे हैं स्केयर ऑफ ए नंबर। स्केयर रूट की बात में बात करेंगे, पहले हम स्केयर ऑफ ए नंबर की बात कर रहे हैं। स्केयर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय इटसेल्फ। किसी भी नंबर का स्केयर की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उस नंबर का उसी नंबर के साथ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दो। जैसे अगर मान लो मैं कहीं फाइव स्केयर कहता हूँ तो फाइव स्केयर का मतलब क्या होगा कि फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई कर दो। फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 25। इसका मतलब फाइव स्केयर जो है उसको हम क्या कहते हैं 25। तो क्या कहते हैं, स्केयर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। इन अदर वर्ड, स्केयर ऑफ ए नंबर इज द नंबर रेज टू द पावर टू। मतलब उसमें किसी भी नंबर का स्केयर फाइंड आउट करते हैं, इसका मतलब उसकी हम पावर टू रेज कर देते हैं। जैसे मान लो मैं अगर स्केयर ऑफ फाइव कहता हूँ तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिखता हूँ, फाइव स्केयर। स्केयर ऑफ फाइव का मतलब फाइव स्केयर, पावर टू रेज कर देंगे। या जनरली अभी क्या होता है, फाइव स्केयर का या स्केयर ऑफ ए फाइव नंबर फाइव का क्या मतलब है कि फाइव को फाइव से ही मल्टीप्लाई कर दें, यानी वो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी 25। यानी स्केयर ऑफ फाइव, स्केयर ऑफ फाइव हम क्या कहेंगे 25। फॉर एग्जाम्पल थ्री स्केयर, थ्री स्केयर, थ्री स्केयर का मतलब क्या होगा, थ्री इंटू थ्री, यानी थ्री इंटू थ्री नाइन। यानी इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, स्केयर ऑफ थ्री इज नाइन। अगर थ्री का स्केयर फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगा, नाइन होगा। सिमिलरली फाइव स्केयर तो आपको बता ही दिया 25 होता है। यानी इन जनरल अगर मैं कहीं स्केयर ऑफ एक्स कहता हूँ, स्केयर ऑफ एक्स, तो स्केयर ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स इंटू एक्स, और एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्केयर भी कह सकते हैं, या इसका मतलब क्या है, स्केयर ऑफ एक्स। तो द नंबर विच आर स्केयर ऑफ ए नेचुरल नंबर, वो नंबर जो स्केयर ऑफ ए नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्केयर्स। वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्केयर्स। जैसे आप देख रहे हो वन, वन को मैं क्या कह सकता हूँ, वन स्केयर। फोर, फोर को मैं क्या कह सकता हूँ, टू स्केयर। नाइन को क्या कह सकते हैं, थ्री स्केयर। सिक्सटीन को क्या कह सकते हैं, फोर स्केयर। 25 को फाइव स्केयर। 36 को सिक्स स्केयर, एंड सो ऑन। तो जो नंबर है 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर्स। ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर्स। सो मैनी सिचुएशन, लेकिन ये तो हम स्क्वेयर की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात आते हैं स्क्वेयर रूट। तो स्क्वेयर रूट की हमें क्यों जरूरत पड़ी, स्क्वेयर फाइंड आउट कर लेते थे, फिर स्क्वेयर रूट की क्यों हमें जरूरत पड़ी कि हम स्क्वेयर रूट क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ देखें हम क्या कह रहे हैं, मैनी टाइम्स इस सिचुएशन अराइजेज वेयर वी हैव टू फाइंड ए नंबर, ए नंबर हुज स्केयर इज नॉन या हुज स्केयर इज गिवन। मतलब कई बार क्या होता है कि किसी नंबर का स्केयर गिवन है और मुझे वो नंबर फाइंड आउट करना है। अभी तो मैं क्या कह रहा था, स्केयर ऑफ फाइव, लेकिन मैं अगर ये कह देता कि मेरे पास 25 गिवन है, वो नंबर फाइंड आउट करो कि जिसका 25 स्केयर हो, वो नंबर फाइंड आउट करो जिसका स्केयर 25 हो। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कई बार एक नंबर गिवन होता है, उसका स्केयर हमारे पास गिवन होता है, एक नंबर का स्केयर गिवन होता है और वो नंबर हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। जैसे जनरली क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी नो दैट एरिया ऑफ स्केयर, मतलब कोई भी एक स्केयर है और उस स्केयर का एरिया गिवन है, स्केयर का एरिया गिवन है 144 सेंटीमीटर। तो 144 सेंटीमीटर स्केयर जो एरिया गिवन है और हमसे कहा जाए, देन फाइंड द साइड, साइड जो स्केयर है उस स्केयर की साइड फाइंड आउट करो। तो हमें जनरली पता है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड स्केयर इज इक्वल टू 144। तो मुझे इस साइड अगर मैं एक्स कह देता हूँ तो इसका मतलब मेरे पास एक्स स्केयर की वैल्यू गिवन है, मेरे पास एक्स स्केयर की वैल्यू गिवन है 144, और मुझे यहाँ से एक्स फाइंड आउट करना है। मतलब मेरे पास एक्स स्केयर की वैल्यू गिवन है और मुझे एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्केयर की जो वैल्यू है ये है 144, इसका जो स्केयर रूट होगा, ये स्केयर रूट के सिंबल से हम आगे बात करेंगे, स्केयर रूट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैं अगर ए कह देता हूँ, या जनरली मैंने यहाँ एक्स लिखा है, इसको मैं एक्स कह देता हूँ, तो मुझे यहाँ इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो वैल्यू आएगी एक्स की, वो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, स्केयर रूट ऑफ
144 जो नंबर गिवन गया है उसका स्क्वायर रूट कहलाएगी। तो मान लो वो हम एक्स कह देते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो इसका मतलब फाइंडिंग द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट इज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर गिवन है और वो नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो जो नंबर फाइंड आउट करते हैं वो नंबर क्या कहलाता है, उसका स्क्वायर रूट। तो इसीलिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है स्क्वायर रूट का। ये जस्ट इंट्रो की फॉर्म में था, मेन टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करना है या स्क्वायर रूट का क्या मीनिंग है, तो वो देखें क्या कह रहे हैं। वी मे डिफाइन स्क्वायर रूट एज, स्क्वायर रूट कैसे डिफाइन करते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ए क्या होगा कि अगर मैं ए को, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ए का मतलब क्या होगा कि मैं ए को क्या बी इंटू बी लिख सकता हूँ, कोई एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ ए होगा, अगर मैं ए को बी इंटू बी लिख सकता हूँ तो जो ए का स्क्वायर रूट होगा वो हम क्या कहेंगे बी। अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो उस नंबर को हम किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहेंगे बी इंटू बी। तो जो ए नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था वो स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। जैसे ये कह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ए हमें निकालना है, तो क्या कहते हैं, इज दैट नंबर विच वेन मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ गिव्स द नंबर ए एज ए प्रोडक्ट। मान लो मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ मतलब वो जो इट सेल्फ नंबर की बात कर रहे हैं वो बी, भाई बी को मैं बी से मल्टीप्लाई करूं तो वो अगर ए के इक्वल आ जाए, बी को मैं बी से मल्टीप्लाई करूं तो द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर ए इज द नंबर बी। अगर मैं ए का स्क्वायर रूट बी कहता हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी इंटू बी जो है, जैसे मैंने ऊपर कहा बी इंटू ए, बी इंटू बी जो है वो ए के इक्वल होगा, और बी इंटू बी ए के इक्वल होगा, इसका मतलब बी स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल होगा। लेकिन हमें ए का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था, तो हम क्या कहेंगे कि जो स्क्वायर रूट ऑफ ए होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए वो क्या हो जाएगा बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या होगा बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू स्क्वायर की वैल्यू फोर होती है, तो अगर मुझे फोर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, मुझे फोर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो वो मैं क्या कहूंगा टू, क्या कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ फोर इज टू, या ऐसे ले देंगे स्क्वायर रूट ऑफ फोर इज इक्वल टू टू। अगर मुझे पता है थ्री स्क्वायर की वैल्यू नाइन के इक्वल होती है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नाइन, स्क्वायर रूट ऑफ नाइन में क्या कहूंगा थ्री, स्क्वायर रूट ऑफ नाइन इज थ्री। फाइव स्क्वायर जो है वो 25 के इक्वल होता है, तो मैं 25 का स्क्वायर रूट क्या कहूंगा, 25 का स्क्वायर रूट क्या कहूंगा फाइव। इसी वे में अगर मुझे 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो 225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो मैं जनरली क्या कह सकता हूँ 15 इंटू 15 लिख दिया मैंने, तो ये 15 इंटू 15 है, तो इसका मतलब 15 इंटू 15 टू टाइम्स है, तो ये 15 आ जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या मैं क्या कहूँगा कि 225 को मैं 15 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 225 को मैं 15 इंटू 15 लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट क्या कह दूंगा कि 225 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा 15। तो ये हमारा स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट है। तो स्क्वायर रूट हम दो मेथड से फाइंड आउट करते हैं, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट होता है एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, तो उससे हम नेक्स्ट लेक्चर में उससे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम प्राइम फैक्टर, फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से हम केवल उन नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, लेकिन दूसरा एक मेथड और होता है लॉन्ग डिवीजन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टू फाइंड ए स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन उससे पहले हमें प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए कि जो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू डिवाइजर्स होते हैं वन एंड इट सेल्फ। प्राइम नंबर्स के टू डिवाइजर होते हैं वन एंड इट सेल्फ, क्या होते हैं टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन एंड सो ऑन। तो ये प्राइम नंबर होते हैं, तो मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वेयर नंबर गिवन है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, और उसके बाद हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। बिल्कुल इजी मेथड है, बस मीनिंग पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहे हैं, वही कि रिजॉल्व द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स, जो गिवन नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें। और उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना है, मेक पेयर्स ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर, कि भाई 2 into 2 आ गया उसका वन पेयर बना दिया, 3 into 3 आ गया उसका वन पेयर बना दिया।
जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें हम उनके पेयर बनाते हैं, और पेयर बनाने के बाद टेक वन फैक्टर क्या लेंगे, वन फैक्टर फ्रॉम ईच ऑफ द प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर हमारे पास गिवन होंगे, फैक्टर्स के पेयर जो बनेंगे, उन पेयर में से एक एक प्राइम फैक्टर्स हम ले लेंगे और उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। मतलब पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर टू टू प्राइम सेम प्राइम के पेयर बनाएंगे, ईच पेयर में से एक प्राइम नंबर लेंगे और उन सबका प्रोडक्ट लेंगे। वो जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन होगा उसका वो स्क्वायर रूट कहलाएगा। और आगे क्या करें, ए परफेक्ट स्क्वायर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये करें कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में अगर ब्रेक करते हैं तो पेयर में हम उसको ब्रेक कर पाते हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो। जैसे अभी एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है 324 है, फिर 7056 है, इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास एक नंबर है 324, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ये है हमारे पास 324 है, 324 को 2 से डिवाइड करेंगे, 324 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 162, फिर 162 आ गया तो 162 को हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 162 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 जा 16, 21 जा 1, 81 आ जाएगा। अब 81 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 3 से होता है, तो अब हम इस 81 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये आप जो देख रहे हो ये मेरे पास प्राइम नंबर्स आ गए, इनका अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, इन प्राइम नंबर्स का मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो वो प्रोडक्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 324 के इक्वल। यानी इसका मतलब मैं 324 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, तो वो हम लिख सकते हैं 2 324 को ये। और फिर हमने 2 2 के पेयर बनाए, और अगर ये जो गिवन नंबर जो है, अगर ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये मेरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली मेरे पास 2 2 के पेयर्स बनेंगे। और मुझे अब क्या करना था, इस 324 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था। तो 324 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, अब जैसे ये पेयर है तो इस पेयर में से मैंने एक बार 2 लिख लिया, ये दूसरा पेयर है इसमें से मैंने 3 ले लिया, ये थर्ड पेयर है इसमें से मैंने 3 ले लिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 × 3 9 9 × 2 18, तो जो ये 18 आएगा, ये 18 मेरे पास क्या होगा, 324 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 324 जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 18। तो वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। मतलब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम उसकी क्या कर दें, प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयर्स बनाए 2 2 के, और 1 1 पेयर में से 1 1 प्राइम नंबर ले लें, उनका प्रोडक्ट जो लेंगे वो रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसी वे में हमारे पास नेक्स्ट क्या था, 7056, 7056 को पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 2 से 2 3 जा 6 10 होगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 16 रहेगा, 2 8 जा 16, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे, लास्ट में इवन नंबर आ जाता है तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड होता है, तो 3528 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 1764, फिर 1764 हो गया तो फिर ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, क्या आ जाएगा, 882, फिर अगेन 2 से होगा तो क्या आ जाएगा, 441, क्या 441 3 से डिवाइड होता है, अगर 3 से डिवाइड होता है तो 3 से करेंगे, नहीं तो उसके बाद आगे 5 या 7 से देखेंगे, लेकिन ये 3 से डिवाइड होता है 441, तो 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 1 4 14 3 4 जा 12 2 1 21 3 7 जा 21, तो 147 आ जाएगा, 147 को अगेन 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 जा 12 2 7 27 3 9 जा 27, 49 आ गया, फिर 49 जो है 49 वो किससे डिवाइड होता है, 7 से, 7 आ जाएगा, 7 किससे होता है, 1 से। तो ये जो है हम यहाँ जो लिखते हैं वो हम प्राइम नंबर्स लिखते हैं, किस प्राइम नंबर से ये गिवन नंबर डिवाइड होता जाता है वो डिवाइड करते जाते हैं। और फिर इसके बाद 7056 है, इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, और इसके बाद इनके हम 2 2 के
पेयर्स फॉर्म करते हैं, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, 7056 का स्केयर रूट। तो इसका जो स्केयर रूट होगा वो क्या होगा, इस पेयर में से 2 ले लेंगे, इस पेयर में से 2, इसमें से 3, इसमें से 7, तो 7 × 3 = 21, 21 × 4 = 84 होता है। तो इसका मतलब स्केयर रूट ऑफ 7056 वो क्या आ जाएगा, 84। वेरी इजी, बिल्कुल इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इजी एग्जांपल है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर गिवन नहीं है, उसको बनाना है, बनाने के लिए हमें देखना मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है या डिवाइड करने के लिए कहा गया है। क्या कहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट, क्योंकि जो इसमें बड़े से बड़ा और पॉसिबिलिटीज कई हो सकती हैं, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 700 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। 700 को किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और उसके बाद में क्या कह दिया, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेंड, जो नंबर ऑब्टेंड होगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करके बताएं। तो बिल्कुल ईजी है, बस हमें पता होना चाहिए कैसे करना है। पहले हम 700 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन आप पता ही है, 700 को 2 से डिवाइड करोगे तो 350 आ जाएगा, फिर 350 को 2 से डिवाइड करोगे तो 175 आ जाएगा, 175 में यहाँ 5 है, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से करेंगे तो 5 से 175 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 35 आ जाता है, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और फिर ये 1। तो ये जो है इनका जो प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट जो होगा वो क्या कहलाएगी, 700 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये मेरे पास 700 की प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन आप देखेंगे कि ये हमारे पास परफेक्ट नंबर नहीं है। क्या है कि 700 है, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, मेरे पास ये सिंगल वन रह गया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब होता, जब मेरे पास ये 7 का पेयर भी बन जाता। इसका मतलब मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मुझे पता है कि मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7 का पेयर बनके परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि मैं इस नंबर को ग्रुपिंग द फैक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर, फैक्टर ऑफ 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, जो 7 वाला पार्ट है वो अनपेयर्ड रह गया। इसका मतलब अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं 700 को, तो वो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो मुझे जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना था वो मेरा क्या हो जाएगा, 7। 7 मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। देखें 7 से मल्टीप्लाई करके भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 7 से मल्टीप्लाई करके भी ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, लेकिन अगर मैं इसको (2)(2)(2) भी कर देता, 7 की बजाय 28 से मल्टीप्लाई कर देता तो भी परफेक्ट स्क्वायर आता, 2(2) की बजाय 3(3) से कर लेता तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाता, 5(5), फिर 7(7) से भी। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोई भी पार्ट ले सकता हूं, इसीलिए मुझे स्मॉलेस्ट कहा जाता है, नहीं तो डिफरेंट आंसर आएंगे, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट कहा जाएगा तो सबका आंसर सेम आएगा। तो ये प्रोडक्ट से भी मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकता हूँ, लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मुझे एक स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, तो वो 7 हो जाता है। तो 7 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब हमें जो नंबर आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है क्या होगा, तो उसके स्क्वायर रूट के लिए ये नहीं कि दोबारा से उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, भाई न्यू नंबर क्या हो जाएगा, 700 × 7 यानी 4900। अब मैं ये नहीं कि 4900 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठ जाऊँ, भाई मुझे 700 की प्राइम फैक्टराइजेशन पता ही थी, उसको मैंने 7 से ही तो मल्टीप्लाई किया है, ये सारे प्रोडक्ट लिख दो और इंटू में 7 लिख दो, वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी। और इसका जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है क्या होगा, 2 2 के पेयर्स बनाओ, और इसमें से 2 2 के पेयर्स में से 2 आ जाएगा, 5 के पेयर्स में से 5 आ जाएगा, 7 के पेयर्स में से 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 70। तो जो न्यू नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे वो क्या आ जाएगा, 70। न्यू नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 70। यहां हमें इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया था, इसी वे में डिवाइड करने का भी क्वेश्चन बनता है। देखें उसमें हम क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 4056 4056 मस्ट बी डिवाइडेड, कि 4056 को किस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से डिवाइड करूं कि जो रिजल्टिंग नंबर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए।
और ऑल्सो फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ द न्यू नंबर सो ऑब्टेन। तो वही एज यूजुअल पहले हम 4056 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता ही है, 4056 को 2 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से करोगे तो क्या आएगा 2028, फिर 2028 है अगेन 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा 1014, 2 से डिवाइड कर सकते हो। फिर यहाँ 4 है अगेन तो ये अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 507, तो 507 आ गया तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्या 3 से होगा? तो 3 से डिवाइड करके देखने की बजाय पहले इनके डिजिट्स को ऐड कर लो, 5 + 0 + 7 12 होता है और 12 3 से डिवाइड होता है, तो 12 3 से डिवाइड होता है इसका मतलब 507 है ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो 507 को 3 से डिवाइड करोगे तो 169 आ जाएगा, और 169 वैसे तो हमें पता है 13 स्क्वेयर होता है, तो इसलिए 5711 से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको 13 से डिवाइड करोगे 13, फिर 13 से डिवाइड करोगे 1। तो इसका मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या आ जाती है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4056। तो 4056 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हो 2 × 2 × 3 × 2 × 3 × 13 × 13। तो आप देखते हो, देखो ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये मेरे पास अनपेयर्ड रह जाते हैं 2 × 3, यानी 2 × 3 क्या 6। इसका मतलब इस नंबर को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, इस नंबर को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब 6 जो है वो मेरा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो वही है, सिंस ऑन ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर्स इनटू पेयर हमारे पास इक्वल फैक्टर्स 2 एंड 3 आर लेफ्ट, 2 और 3 लेफ्ट हो जाते हैं तो अनपेयर्ड, 2 एंड 3 आर लेफ्ट अनपेयर्ड। सो टू मेक 4056 ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो 4056 है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 6। तो न्यू नंबर क्या आ जाएगा, 4056 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करना आता है 676 आ जाएगा। और अब 676 को हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो ये नहीं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने लग जाए, जब की हुई है पहले तो 6 से डिवाइड किया था तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, और ये वाला पार्ट हटेगा तो क्या रह जाएगा 2 × 2 × 13 × 13। तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट होगा 676 का वो क्या हो जाएगा 2 × 13, और 2 × 13 मतलब 26। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर जो है वो क्या जाएगा 26। रिक्वायर्ड रिजल्ट वेरी इजी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले खुद सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लाइक बनता है, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उनको शेयर करें और उनको मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन